ये अच्छा है, क्या बीफ ये है। बीफ है, वॉश करके रखा है तीन चार पानी में, इसमें प्याज डाला है, आलू डाला है, अभी टमाटर डालेगा। हम कुछ भी ऐसा फ्राइंग फ्राइंग कुछ नहीं करेगा, ये एक हेल्थी भी है, कोई कोलेस्ट्रॉल वाला है आई कोई विल लगा ऐड भाई। दिस वाटर एंड आई विल कीप इन द स्टॉक। काफी ना है या जस्ट पी ले। जस्ट पीली, वी डोंट हैव एनीथिंग दिस वन। हाउ विद दिस इसी इसी है ना, वो अदरक है, वो अदरक है, ये टमाटर। बीफ बना रहे हैं, ये सिंपल मेथड है बैचलर्स के लिए। वेरी सिंपल बीफ। ठीक है, सीधा कुकर में डाल रहा है, कुकर में डाल दिया सीधा, आलू प्याज और टमाटर अदरक, अदरक जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालेगा, ये ये मिर्चें, ग्रीन ग्रीन चिली भी डालेगा चिली, सीधा। ये अदरक और लहसुन, ये ग्राइंड करेंगे, पेस्ट बनाना है इसका, इसका पेस्ट बन जाएगा। सिंपल बजट में बना रहा है, हाँ कुछ भी ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि चिल्ली ये काट रहे हैं। हम बैचलर्स हैं, बैचलर्स को ज़्यादा काम करना इतना पसंद नहीं है, तो कोई भी बैचलर्स को ये ट्राई कर सकता है। आपका रूम है, ये स्पाइसीनेस आप देख लेना, मैं इसमें 12 चीज़ें लिया है, बट आप देख लेना आपका कितना चाहिए उस हिसाब से। मैं थोड़ा स्पाइसी खाता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं, थोड़ा बहुत आपको स्पाइसी स्पाइसी उसमें चाहिए, डाल आप रहा ज़्यादा चिली ले सकते हो, हूँ। आपको लाइट डायरेक्ट चाहिए तो आप थोड़ा कम चिली डालो। ये अदरक हमने पेस्ट कर लिया, अदरक और लहसुन पेस्ट। करी पत्ता है, लहसुन अदरक पेस्ट, इट्स ऑलमोस्ट ये फिनिश्ड। है कड़ी पत्ता, यू हैव इसमें हमने डाला है प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, मिर्चें और आलू। हाली उसमें, ये कितनी देर में तैयार हो जाएगा? ये जस्ट के बीच लाना है, 4-5 बीच लाना है। बढ़िया, बहुत कम टाइम पे, मैक्सिमम आधा घंटे में। कुक एनीथिंग, हमारे आंटी लोग इसी में बनाता है ये चीज़, केरला में क्या आंटी लोगों को जल्दी बनाने का थोड़ा जल्दी बस है, तो थोड़ा जल्दी बनाना तो ये बनेगा। तो अब हम इसको बीफ को डाल इसमें दिया डाल दिया अंदर कुकर में, सब कुछ मसाला हो गया इसके अंदर ही। अभी हम मसाला डालेगा, नमक डालेगा, हमारा धनिया, हाँ ये धनिया पिसा हुआ धनिया है, ये लाल मिर्ची, एक जस्ट कलर है, ये ज्यादा तेज नहीं है। ये ज़्यादा तेज नहीं है, ये डाल दिया हमने गोश्त के अंदर। ये काली मिर्ची ये काली मिर्ची और रहा है, पाउडर, ये क्या है, ये हल्दी है, ये जी हल्दी है, 1 चम्मच हल्दी डाल दिया, ये जीरा पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, ये भी थोड़ा सा डालना है, 1/2 चम्मच, 1/2 स्पून, ये थोड़ा सा गरम ऐसा
अभी नमक डाल, लास्ट में हम डालेंगे नमक। ये नमक डाल दिया, तो इसको करेंगे हम अब डालेंगे हम घी। घी नहीं, ऑयल, ऑयल दलाल का ऑयल है ये, इसमें ऑयल डाल दिया और अब उसके बाद हाथ से इसको मिक्स करेंगे। सिंपल काम है, वेरी सिंपल है, इजी है, तकरीबन आधा घंटे में तैयार हो जाएगा, ऐसे ही है ना? हाँ। ये कटिंग का टाइम है बस, कुछ और आपको कुछ काम है कर सकता है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथ से, ये सारा कुछ इसमें मिक्स कर लिया, लहसुन अदरक प्याज टमाटर गरम मसाला क्या क्या डाला सब अच्छा सा हाथ से मिक्स करना। ये मिक्स में थोड़ा सा अच्छा से कर देना और मिर्ची डाला थोड़ा, इसमें कम है। हम स्पाइसी खाना खाता है, अगर आपको लाइट चाहिए तो थोड़ी मिर्ची डालो, ये भाई तो खाते हैं ज्यादा बहुत तेज। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा गिलास, ऐसे ही पानी इतना ही होना है। हाँ। ये ज़्यादा हो गया तो ये इसमें से भी पानी आएगा तब। इस कुकर को अभी हमने बंद कर दिया है, हमने गैस चूल्हे पे रख दिया है कुकर को, कम से कम मैक्सिमम आधा घंटे में इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा, फिर आपको दिखाते हैं।